प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक है सच्ची शांति कहाँ मिलेगी। और लोग जन्नत जाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में, वनों में, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन और टॉपिक इसी पे आधारित है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं मसीह भाई बहनों, मैं नितेश मसीह। चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग जन्नत यानी स्वर्ग, स्वर्ग जाने के लिए यानी कि हेवन है ना, जाने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, वनों में चले जाते हैं, और बहुत ही अपनी परिवार को छोड़कर बहुत ही ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि जन्नत अगर आपको जाना है, अगर आपको स्वर्ग जाना है परमेश्वर के पास, तो इस बाइबल को रीड कीजिए, क्योंकि यहीं से आपको जन्नत और स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। जी हाँ, यीशु मसीह ने भी यही कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझसे हुए बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। जी बिल्कुल। अब परमेश्वर हमारा खुदा, हमारा सर्वशक्तिमान कहाँ है? स्वर्ग में है, स्वर्ग में विराजमान है। जी हाँ, जहां पे यीशु मसीह भी वहां पे विराजमान है, अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है वहां स्वर्ग। बहुत सारे हमारे प्रेरित जो हैं उस जगह पे पहुंच चुके हैं। मूसा हो गए है ना, हनोक हो गए, एलिया हो गए, एलिशा हो गए, बहुत सारे ऐसे नबियां जो हैं वो जन्नत पहुंच चुके हैं। अब बहुत सारे जो हैं वो जन्नत जाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? वनों में चले जाते हैं। लेकिन मेरे मसीह भाई ब्रो, वनों में आपको जंगल नहीं मिलेगा, जंगल में आपको कभी जंगल नहीं मिलता है, ये आप याद रखिए। अगर आप जंगल में चले जाते हैं जन्नत के लिए, तो जंगल आपको कभी जन्नत नहीं ले जा सकता है। अगर आपको जन्नत जाना ही है, अगर आपको स्वर्ग जाना ही है, तो अभी आप इस बाइबल को रीड कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा जन्नत जाने के लिए, यानी स्वर्ग जाने के लिए। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग जाने के लिए आपको इसी पे ही रास्ता मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो शांति की तलाश में जन्नत जाते हैं, कि जन्नत जाने की कोई प्रयास नहीं, कि मन को शांति के लिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को पाप हो जाता है और ऐसी अंदर से कुरन मतलब गलतियां करने के बाद पछतावा होता है, तो उसको शांति नहीं मिलती है। तो शांति के लिए भी बहुत सारे लोग जो है अपने मन को शांति के लिए भी जंगल में चले जाते हैं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत ऐसे लोग जो है अपने परिवार लोगों को भी छोड़ के चले जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। जी हाँ, तो आज मैं आपको स्वर्ग का रास्ता और जन्नत का रास्ता और सच्ची शांति कहाँ मिलेगी, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। जी हाँ, अभी तो चलिए आप हमारे साथ निकाल लेंगे यशाया नबी का अध्याय 66 और उसका वचन है 13। वहां पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है। जी हाँ, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, यानी कि माता पुत्र जो है कोई गलती हो जाती है तो बहुत रोता है, परेशान होता है, और उसके मन में शांति नहीं रहती, अशांति रहती है, तो माता कितनी प्यार से उसके मन को शांत करती है ना, कि बच्चा शांत हो जाओ। हमारी भी माता बहुत शांत की है, आपकी बात माता भी आपको जब आप बचपन में होंगे तो किस तरह से आप शांति आपको देती हुई याद कीजिए। वो भी उस तरह परमेश्वर जो है हमें अपने जीवन में, इस जीवन जो जिंदगी दिया है, उस तरह हमें शांति देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा, वैसे ही मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। यानी यहाँ पे परमेश्वर जो है कंफर्म करते हैं कि जिस तरह माता अपने बच्चों को शांति देती है, उस तरह मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और जब परमेश्वर शांति देता है तो जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। परमेश्वर जब शांति देता है तो जीवन क्या हो जाता है?
धन हो जाता है। माता जब शांति देती है बस थोड़ी देर के रहता है, लेकिन परमेश्वर आपको जो शांति देगा वो आपको जीवन को धन्य कर देगा। जैसा कि आप पढ़ेंगे हमारे साथ यूहन्ना की पुस्तक का अध्याय 14 उसका वचन है 27वां, वहां पे लिखा हुआ है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं मसीह भाई बहनों, हालेलुया। आपको परमेश्वर जो है यीशु मसीह जो है वो शांति दिए जाते हैं। पहले परमेश्वर शांति दिए हैं, अब यीशु मसीह यानी उनके पुत्र जो है, परमेश्वर के पुत्र जो है यीशु मसीह, आपको शांति दिए जाते हैं। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यानी यीशु का जो अपनी शांति है, जो परमेश्वर का जो अपनी शांति है, वो शांति आपको देते हैं। आप कहां भटक रहे हैं जंगल में, कहां भटक रहे हैं वनों में, कहां माँ बाप को छोड़ के भाग रहे हैं? मेरे मसीह भाई बहनों, यही रहा आपका शांति का मार्ग, यीशु ही है आपको शांति का मार्ग। इसे अभी ही ले लीजिए और आप शांति के मार्ग चलना शुरू कर दीजिए। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यही वो शांति है। लोग जन्नत जाने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं चले जाते। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझसे हुए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच पाएगा, कोई स्वर्ग नहीं जा पाएगा। यानी कि आपको यीशु के भीतर से होकर जाना पड़ेगा, तब जाके आप स्वर्ग पहुंचेंगे। जंगल के भीतर से होकर जाने से नहीं मिलेगा स्वर्ग। मेरे मसीह भाई बहनों, सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, जंगल से वनों से लोग पता नहीं कहां कहां चले जाते, बहुत सारे तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं, 3 दिन की यात्रा करने चले जाते हैं, 10 दिन की यात्रा करने चले जाते हैं, कई कई महीनों तक का यात्रा करते रहते हैं कि मुझे जन्नत चले जाएगा। लेकिन आपको स्वर्ग जाना ही है मेरे मसीह भाई बहनों, तो अभी आप इस बाइबल को पकड़िए, क्योंकि यीशु ने साफ साफ कह दिया है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझसे हुए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच पाएगा। और हमारा पिता जो है, आपका पिता जो है वो कहां है? वो स्वर्ग में है। और आप वहीं जानना चाहते हैं ना, वहीं जाना चाहते हैं, तो अभी ही बाइबल को पकड़िए और उसको रीड कीजिए, आपको जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। यानी कि आप जो है यीशु मसीह के भीतर से होकर जाएंगे। और यीशु मसीह जो है वो कौन है? वो वचन है। यूहन्ना की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना में आप पढ़ेंगे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। यहाँ पे साफ साफ पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में पहला अध्याय, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य हमारी ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना जो था वो मार्ग सत्य और यानी ज्योति की गवाही, यानी जीवन की ज्योति जो था उसकी गवाही देने आया था, यानी यीशु मसीह की गवाही देने आया था कि हमारे बाद हमारे पहले से जो है वो परमेश्वर, उस ज्योति की गवाही देने आया था कि उसी पे हम लोग चलेंगे, उसी के रास्ते पे चलेंगे, तभी हम पहुंच जाएंगे जन्नत और स्वर्ग। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, आज का टॉपिक बिल्कुल यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो के स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक जीसस बुलाता का ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए मेरे मसीह भाई बहनों, इस चीज को इंस्टॉल कर लीजिए और आप वहाँ पे मुझे अपना प्रार्थना दे सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। प्लीज आपसे सभी ने मेरे निवेदन शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।